साल 2012 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जिसके लिए टीम जानी जाती है। ना टेस्ट में टीम का जादू चला और ना ही वनडे में, और यहां तक कि T20 में भी हम फिसड्डी ही नजर आए। साल 2012 में धोनी की कप्तानी पर भी हमेशा सवाल खड़े होते रहे। हो गया धोनी का करिश्मा, वनडे में नहीं चला जादू। T20 वर्ल्ड कप में ढीला प्रदर्शन, इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज में मिली हार, भारत में क्रिकेट की दीवानगी का आलम किसी से छिपा नहीं है। यहाँ टीम की जीत का जश्न जितना शानदार होता है, तो टीम की हार पर खेल प्रेमियों का गुस्सा भी अपने चरम पर होता है। साल 2012 में कप्तान धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया ने खेल प्रेमियों को खुशियों के पल दिए, तो गम भी कुछ कम नहीं मिले। अगर यूं कहें कि खुशियां कम और गम ज्यादा तो गलत नहीं होगा। जिस टीम को धोनी ने वर्ल्ड कप का खिताब 28 साल बाद दिलाया, उसी टीम को धोनी की कप्तानी में ही 28 साल बाद 2012 में अपनी धरती पर इंग्लैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। एंडरसन ने एक और सफलता हासिल कर दी। जो टीम पिछले साल 2011 में टेस्ट की नंबर एक टीम थी, उसे 2012 में अब तक की सबसे खराब रैंकिंग से भी सामना करना पड़ा। 74 ओवर पुराना। एक वक्त ऐसा आया जब टेस्ट की नंबर एक टीम 2012 में पांचवें नंबर पर खिसक गई। जो टीम वनडे वर्ल्ड चैंपियन हो, टेस्ट की बादशाह जिसके हाथ में रही हो, अगर उस टीम की ऐसी हालत हो तो खेल प्रेमियों के दुख का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि धोनी की अगुवाई में टीम को टेस्ट, वनडे या T20 में सफलता नहीं मिली। सफलता जरूर मिली, मगर असफलता की कहानी इतनी बार दोहराई गई कि सफलता की चमक इनके बीच धुंधली पड़ गई। हमने अपनी सरजमी पर टेस्ट जीता, न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया, मगर साल के आखिरी में इंग्लैंड ने हमें जो जख्म दिए उसे भुलाना आसान नहीं होगा। 2012 के आखिरी में अपने घर में अभेद माने जाने वाली टीम इंडिया को इंग्लैंड ने 2-1 की करारी शिकस्त दी। ये हार टीम इंडिया को 2004 के बाद अपने घर में मिली, और इंग्लैंड ने 28 साल बाद टीम इंडिया पर शानदार जीत दर्ज की। वनडे मैचों में धोनी की अगुवाई में टीम को बहुत सफलता हासिल नहीं हुई। साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में भारत को हार का सामना करना पड़ा। Oh, he's gone big or not big enough. Take it in the deep.
और वहां धोनी कप उठाने से चूक गए। इसके बाद एशिया कप मुकाबले में भारत अपनी बादशाहत खो बैठा और एशिया का नया सरताज कोई और देश बन गया। एशिया कप अगर याद रखा जाएगा तो सिर्फ इसलिए कि सीरीज के दौरान सचिन ने अपनी 100वीं सेंचुरी पूरी की। हाँ, श्रीलंका में खेले गए वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने जरूर बेहतरीन प्रदर्शन किया और 38 साल बाद श्रीलंका में 5 मैचों की वनडे सीरीज 4-1 से जीत ली। कुल मिलाकर साल 2012 में कप्तान धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया का वो जादू नहीं चला जिसके लिए ये टीम जानी जाती थी। T20 मैचों के लिहाज से भी भारतीय टीम ने मिलाजुला प्रदर्शन ही किया। साल के शुरुआत में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म की। साउथ अफ्रीका में टीम को T20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। श्रीलंका में भारत ने T20 मैचों की सीरीज जीती और T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के हाथों टीम इंडिया को अपने घर में T20 मैचों की सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। अब बारी थी T20 वर्ल्ड कप की। 2007 में धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत चुकी टीम इंडिया को जीत के बड़े दावेदारों में एक माना जा रहा था। टीम इंडिया की शुरुआत भी अच्छी रही। मगर टीम सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गई और एक बार फिर से इस फॉर्मेट में चैंपियन बनने का सपना टूट गया। कुल मिलाकर साल 2012 में धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया अपने उस प्रदर्शन को दोहराने में कामयाब नहीं हो पाई जिसके दम पर कभी वो टेस्ट की नंबर एक टीम और वनडे की वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। साल 2012 में टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक कप्तान के तौर पर प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा। उनकी कप्तानी पर लगातार सवाल उठाए जाते रहे और उनके प्रदर्शन ने भी खेल प्रेमियों को बेहद निराश किया। संजय सावर्ण, MH1 न्यूज, दिल्ली। 2012 की खट्टी मीठी यादें तो आपने देख ली। उम्मीद करते हैं 2013 के आने वाले लम्हे बेहद खूबसूरत होंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी MH1 न्यूज पर खबरों का सफर बदस्तूर जारी रहेगा।